दिल्ली के अंदर और पूरे उत्तर भारत में अब जो प्रदूषण है वो प्रदूषण में PM10 की मात्रा कम हो रही है, PM2.5 की मात्रा ज़्यादा हो रही है, यानी गाड़ियों का पोल्यूशन, धुएं का पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी जो बसें हैं वो CNG की बसें चलती हैं, इलेक्ट्रिक नई बसें 800 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। लेकिन दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, चारों तरफ से जो बसें आ रही हैं वो सारी डीजल की बसें हैं, सारा धुआं थूक रही हैं और उससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। CAQM ने डायरेक्शन दिया था कि 1 तारीख से जो है वो दिल्ली के अंदर जो CNG की बस है, इलेक्ट्रिक बस है या फिर BS6 की बस है, उन्हीं को केवल प्रवेश दिया जाएगा। आज हमने यहाँ पर कई जो है ड्राइवरों से बात की, अधिकारियों से बात की और अभी पता यही चला है कि अभी सारी जो है डीजल की बसें हैं यहाँ पर आ रही हैं। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने तैयारी की है कि 1 तारीख से अलग अलग जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है इनकी चेक किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली में तो हम चेक करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो प्रदूषण है उसकी मार दिल्ली वालों को पूरे NCR में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, राजस्थान में जो चारों तरफ जो प्रदूषण हो रहा है उसका मार दिल्ली वालों को भी झेलना पड़ रहा है। दिल्ली वाले चला तो रहे हैं CNG की बस, इलेक्ट्रिक की बस, लेकिन चारों तरफ जो डीजल का धुआं उड़ रहा है उसका पोल्यूशन जो है दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए हमारी मांग है केंद्र सरकार से, हरियाणा से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि पूरे NCR रेंज में जो है वो डीजल की जो पोल्यूशन पैदा करने वाली बसें हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए।